तो ये मेरे से हमेशा बात करते रहता, तो ये पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं बोली कोटमा में जा रही हूँ। वो अचानक ही कोटमा में चला, मेरा बस छूट गया तो मैं वहीं वेट कर रही थी। तो ये आया और मुझे बैठ बोला कि चलो मैं तुमको जमुना छोड़ दे रहा हूँ। मैं नहीं आना कहानी कर रही थी, बोलता मैं छोड़ दूँगा जमुना, और ये ले जाके अचानक जंगल में ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और अगर मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ तो उसने चाकू निकाला, मैं अपने बचाव के लिए मैं चाकू पकड़ी थी, ये देखी मेरा हाथ। और फिर उसके बाद मैंने भी इसके ऊपर मतलब कि बचाव के लिए मैंने मारा कि उससे दूर हटूँ। और फिर उसने मेरा दुपट्टे से गर्दन पकड़ के इतना कस के खींचा कि मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। तो वो भाग गया उसे वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा, जब मैं तैयार नहीं हुई वो मुझे इनपुट होकर तो मैं तैयार नहीं हुई। तब उसने चाकू निकाला और मुझे धमकाने लगा। तो मैं जैसे चाकू उसने निकाला तो मैं ऐसे करके एक हाथ से ऐसे पकड़ा और चाकू मैंने छीना, मतलब कि मार पीट हुई था। और फिर चाकू मेरे हाथ में आया तो मैं उसे दूर करने के लिए मैं एक कट वहाँ की और एक ऊपर में। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता कि गहरी थी कि हल्की चोट। वो बहुत पहले से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था 2005 और उससे पहले ही वो मुझे परेशान किया करता, लेकिन मैं नहीं ध्यान दिया करती। फिर अचानक ही फिर उसके बाद हमारी मतलब कि दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ये रिलेशनशिप चलने लगा। शादी की बात आई तो उसने शादी के लिए बोला, फिर शादी इनकार कर दिया। और फिर मेरी शादी कहीं और हो गई और फिर उसने भी शादी कर दी। अब शादी फिर उसने मेरी शादी तोड़वा दी कि कहने लगा कि मैं तुझे रखूँगा, ऐसा ऐसा बोल के मेरी तलाक करवा दी। और फिर उसके बाद मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। और जब मैंने उससे कहा कि अब शादी कर लो तो टालता रहा। फिर उसके बाद वो अचानक गायब हो गया, जब मैं छोड़ के चला गया।